हे हबीबी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो स्वागत है आप लोगों को एक और न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ब्रोंस्टो ग्रैंड मास्टर चैलेंज का एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, मैंने ब्रोंज से हीरोइक तक लगाया था, और इस एपिसोड में हम लोग लगाने वाले हैं हीरोइक से इलाइट हीरोइक। और पिछले एपिसोड में मैंने प्लाज्मा में पुश किया था, पर प्लाज्मा में मेरा पता नहीं क्या रीज़न हो गया, कुछ हो गया था प्रॉब्लम, मेरे को प्लाज्मा में शो नहीं कर रहा था। तो इस बार मैंने सोचा है फार्मास में पुश करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ, इस गेम जब मैं खेल रहा था ना, तब ना एक गेम में हैकर आया भाई, इतना गंदा हैकर था, क्या ही बोले यार। तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो में मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और राइट दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं हमारा पहला मैच में, और पहला मैच में हमें लोग को मिल चुका है स्कार, और सामने की साइड एक बंदा है, बहुत ही खतरनाक वाला हेडशॉट के साथ इस बंदे को हमने मार दिया। तो पहला गेम का पहला किल हमारा यहाँ पे हो चुका है, और सामने हमने लिया है हिटलिस वाला बंदा। तो हिटलिस वाला बंदा, अरे अरे पीछे से कोई बंदा हमको मार रहा है जो कि ऊपर चढ़ के बैठा है। ऐसे स्पाइडरमैन रहते हुए भाई, इंडिया में स्पाइडरमैन आएगा क्या? ये वो किधर किधर चढ़ के बैठा है यार, छिमकांडी लौंडा। और ये थोड़ा थोड़ा दिखा, और ये फाइनली बॉडी बॉडी के साथ ये बंदा भी हमारा खत्म हो चुका है। और राइट दोस्तों, तो हमने लिया था हिटलिस, और हिटलिस वाला बंदा अभी सामने है जो कि भागने की कोशिश कर रहा है, बट कोई ना, हमने उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया। और बंदे ने लगाया यहाँ पे वॉल, और ये बहुत ही खतरनाक वाला, हमने आइस लगा के इस बंदे को भी फिनिश कर लिया। अभी सामने हमने लिया था एक और हिटलिस, और हिटलिस वाला सामने खड़ा है उधर, और उसको बहुत ही खतरनाक वाला हेडशॉट देके नॉक कर लिया। और बंदे ने लगाया यहाँ पे आइरिस, मतलब डिमिट्री, कोई बात नहीं, हमने आइरिस लगा के उसको मारा, बट बंदा यहाँ पे मर बच चुका है, कोई ना। फिर हमने यहाँ पे इसके ऊपर रस मार दिया, बट बंदा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर उसको पता नहीं, उसको लोकेशन मेरे को पूरा का पूरा पता है। और इस बंदे ने दिमाग लगाया भाई, लैंडमाइन लगाया, बट कोई ना, हम लोग यहाँ पे लैंडमाइन से भी बच चुके हैं। अब आ चुके हैं लास्ट में एकदम खतरनाक वाला सिचुएशन, और सामने की साइड एक बंदा ना मेरे को तब से डैमेज दिए जा रहा था, इस बंदे को पता नहीं मेरे पास आईडी है। तो यार देखो, ऐसे ख़त्म करते हैं बंदे यार, क्या ही बोले, बहुत ही खतरनाक वाला मारा इस बंदे को। ओके, तो हमारा सामने एक और बंदा है, और इस बंदे को ओपी वाला हेडशॉट के साथ इस बंदे को भी हमने बहुत ही खतरनाक वाला फिनिश कर लिया गाइस यार। और राइट, तो यहाँ पे ना एक बंदा ना छुप के बैठा है देखो कॉर्नर पे, पर क्या ही साथी बंदा था यार, अंदर चुपचाप छुप के बैठा है। मैं गया ना, तब मेरे को धोखा दिया, एक लैंडमाइन लगा के बैठा था, बट कोई ना, हमने इस यहाँ पे बच चुके हैं। और बंदा यहाँ पे मेरे को ग्लूमीटर फेंक रहा है, पर उसको पता नहीं मेरा मेडिकिट हो चुका था। और यहाँ पे ओडियन बन चुका है बंदा, और ये बहुत ही खतरनाक वाला हेडशॉट के साथ इस बंदे को भी हमने डाउन कर दिया गाइस। ओके ना, इस घर के अंदर ना एक बंदा छुपा हुआ था, और वो बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, पैकमैक होके मैंने क्या किया ना, चारों तरफ जाके लैंडमाइन लगा के आ गया। अब देखो, बंदा लैंडमाइन फूटेगा और उसको डैमेज जाएगा, देखो बहुत ही मतलब दिमाग लगाया था मैंने इस वाले बंदे के ऊपर। ये देखो डैमेज किया, और लास्ट में एक गोली जाके मैंने इस बंदे को फिनिश कर दिया गाइस। लास्ट में बचा था एक बंदा, और वो बंदा सामने ही था मेरे, और उसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश किया, बट बंदा यहाँ पे बच चुका था, और उसने मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश किया। और ये नया वाला जो गन है वो भी मार रहा है, मैं भी मार रहा हूँ, बट बंदा यार बहुत ही अच्छा था गाइस, बहुत अच्छा बंदा था। मेरे पास ऐसी भी गन स्किन कुछ नहीं है, तो मेरे को डैमेज भी उतना अच्छा नहीं दे रहा था, फिर भी मैं बहुत अच्छे से खेलने की कोशिश कर रहा था, बट कोई ना, लास्ट में मैंने एक गलती कर दिया, और यहाँ पर मैं मर चुका था। अभी देखोगे आप लोग, यहाँ पर देखो, मैंने इसको मारा ना, उस बंदे ने आईडी से लगाया, तो मैंने सोचा पीछे से जाके मारूँगा, और यहाँ पे मेरा फ़ोन थोड़ा अटक गया, और मैंने उससे भी जुदा गलती किया कि मैं और भी पीछे जाऊँगा, और उसने मेरे ऊपर रस कर दिया, और इसने मेरे को बहुत ही बेकार वाला मार दिया। और भूया इसी के साथ हमारा मिस हो चुका है गाइस यार, क्या ही कर सकते, कोई ना, अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट गेम की तरफ। और राइट, तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट गेम में, और हमारा अभी तक हो चुका था 3 किल, और सामने के साइड अभी 5 बंदे जिंदा है, उसमें से एक बंदे को हमने मार दिया, और एक और बंदा अभी भी सामने के साइड है जो कि आप लोग देख सकते हो। अभी इस वाले गेम ना बहुत ही इंटेंस फाइट होने वाला है, क्योंकि मैं अभी भूया के लिए खेल रहा हूँ, मेरे को बस भूया चाहिए, क्योंकि मेरे को प्लस भी करना है ना, सिर्फ अमास का प्लस करूँगा तो उसमें मतलब उतना अच्छा नहीं होगा, और तो मैं सोच रहा हूँ इसके साथ साथ ग्रैंड मास्टर भी लगाऊँगा, इसलिए मैं फार्मास में भी खेल रहा हूँ। और सामने से बंदा आ रहा था, इस बंदे को भी बहुत ही खतरनाक वाला मार दिया,
अभी बचा है बस दो ही बंदा, एक बंदा ऊपर मेरे को दिख रहा है। ओके तो वाइट ग्लोबल के पीछे एक बंदा है यहाँ पे, इस बंदे को मारते हैं। ओके तो ये बंदा भी हमारा बहुत ही खतरनाक वाला ख़त्म हो चुका है, अब बचा है बस एक बंदा, पता नहीं ये बंदा किधर है। ओके ओके बंदे मेरे को डैमेज दे दिया। अरे भाई 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 बंदा कुछ ज़्यादा ही चालाक लेकर रहा है। ये नया वाला जो गाना है ना भाई, सब लोग यूज़ कर रहे हैं यार, क्या ही बोले। चलो कोई ना, बंदा भी सामने की साइड आ चुका है, अभी देखते हो उसका मूव कैसा होता है, उसके ऊपर मैं रिएक्ट करूँगा। तुम इसको डैमेज चला गया, आईडी से लगाओ, और ये बहुत ही खतरनाक वाला हेडशॉट के साथ ये वाला गेम हम लोगों ने बुइया कर लिया, जो कि ओपी है, ओपी गाइस। तो इस बुइया के लिए एक लाइक जरूर से कर देना, और हमारा हो चुका है अभी हीरोइक 2 स्टार, जो कि आप लोग देख सकते हो। और राइट यार, हम लोग आ चुके हैं अभी नेक्स्ट गेम में, और यहाँ पे पहले ही मेरा 3 किल हो चुका है, और सामने से एक बंदा जा रहा था, उसको भी बहुत ही खतरनाक वाला फार्मास का बड़ी बड़ी मार के हमने ख़त्म कर दिया। सामने ऊपर एक और बंदा जा रहा था, उसको मैंने डैमेज देने की कोशिश किया, बट बंदा यहाँ पे बच चुका था। और ये मेरे सामने वाले घर के अंदर एक बंदा छुपा हुआ था, उसको मैंने बहुत ही खतरनाक वाला 2 गोली चिपकाया, बंदे ने पैक किया, बट कोई ना, हमने बहुत ही खतरनाक वाला 2 गोली मार के इस बंदे को भी फिनिश कर लिया गाइस। ऑल राइट तो सामने के साइड जा रहे हैं अभी 2 गाड़ी, आप लोग देख सकते हो, एक मॉन्स्टर ट्रक और एक बाइक। और बाइक वाले ने पता नहीं यहाँ पे मेरे पहले निशाना लगाया, पर मतलब मारने की कोशिश किया, उसमें नहीं आया। दूसरे बार जब मारा ना, उसने गाड़ी का स्किल ही नहीं लगाया था, और इसकी वजह से मैंने उसको मार दिया। और ये मास्टर ट्रैक वाला गाइस यार बहुत दिक्कत दे रहा था, मेरे को लगा भाई अभी गया, पर मेरे पास गाड़ी का स्किल था, इसलिए मैंने बाइक उठाया और जोन में आने का नाटक किया, क्योंकि मेरे को उसको मारना था गाइस। तो मैं यहाँ पे आके रुक चुका हूँ, उसका गाड़ी फोड़ना था, और बंदे ने गलती किया पता है, सीधा गाड़ी जाके ना इधर मतलब खाई में कूदा दिया और वहाँ पे फंस चुका था। तो मैंने इसका ट्रक में गोली मारा और वो बंदा यहाँ पे निकल चुका था, और 2-4 गोली मारते ये बंदा ख़त्म हो चुका है गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं अभी नीचे, और पीछे से एक बंदा ना मेरे को बहुत तेज से मारे जा रहा साला, और उसको बॉडी ये मारा, और उसने ग्लूवल लगाया, ये आईडी लगा के बहुत ही खतरनाक वाला ख़त्म कर दिया इस बंदे को भी। ऑल राइट अभी हो चुका है लास्ट के फाइट, और सामने के साइड एक बंदा जा रहा है, और इस वाले घर के अंदर ना एक बंदा देखो चुपचाप बैठा हुआ है। तो इस बंदे को मैंने खतरनाक वाला बॉडी मार के ख़त्म कर दिया, और सामने के साइड एक बंदा था गाइस, उसको मैंने मार नहीं पाया, मिस हो गया। अभी हो चुका है 1v1 फाइट, और बंदा सामने है वहाँ पे, थोड़ा बहुत उसको मैंने बॉडी मारा, बट बंदा यहाँ पे बच चुका है। कोई ना, हमने यहाँ पे मेड ही किया, और बंदे को निकालने का वेट कर रहा हूँ मैं, बस मेरे को बस भुया निकालना है, इसकी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ बस बंदे का। और बंदा आ चुका है पेड़ के सामने, और ये निकला, मैंने मारा बॉडी बहुत ही खतरनाक वाला। मैं सोच रहा ना इधर ये हैंड कैनन मारता हूँ, उसके बाद से मैंने सोचा यार हैंड कैनन से कुछ नहीं होता, कि इसने क्रोनो वगैरह लगा लिया। फिर मैंने देखा मेरे पास बहुत सारा ग्रेनाइट है, तो मैंने ग्रेनाइट करना चालू कर दिया। उस बंदे को लगता है भाई इसको मैं मॉन्स्टर ट्रक से मारूंगा, तो उस बंदे ने क्या किया, मेरा मॉन्स्टर ट्रक ही फोड़ दिया। अभी देखा हमने पीछे भी गोली मार के फोड़ा, और मैंने इस बंदे के ऊपर ग्रेनाइट मारते गया, बट उसको उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनली एक ग्रेनेड, ये वाला ग्रेनेड जाके बस फूटा, बट ज़्यादा नहीं, 37 का डैमेज पड़ा, तो मैंने उसके ऊपर रश कर दिया, और उस बंदे ने मेरे को भाई 2 गोली से मार दिया, और मेरा बुइया यहाँ पे मिस हो गया गाइस। यार बहुत ही बेकार वाला मैंने बुइया यहाँ पे मिस कर दिया। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अभी नेक्स्ट गेम में, और ये वाला गेम ना मैं रैंडम 2 बंदे के साथ खेल रहा था, और यहाँ पे देखो 2 जुड़वा भाई क्या टूट बंधन लेके जा रहा है, और इस बंधन वाले 2 बंदे को भाई मैंने बहुत ही खतरनाक वाला हेडशॉट के साथ ख़त्म कर दिया। और मेरा ना बहुत ज़्यादा बुइया मिस हो रहा है, इस वजह से ना मैंने सोचा यार चलो रैंडमली 2 बंदे के साथ खेलते हैं। और ये बंदा इतना ज़्यादा चिमकांडी था गाइस, मतलब ऑफलाइन ही चला गया, खेला ही नहीं, और मेरा पूरा पोपट हो गया, मेरे को अकेले खेलना पड़ा ये। और यहाँ पे सामने के साइड एक बंदा आ रहा है, और ये बंदा बहुत ही तेज़ दिमाग लगा रहा है, बट उसको पता नहीं मेरे पास उससे ज़्यादा भी दिमाग है, तो मैंने यहाँ पे आईडी लगा के मारा, बट वो बंदा ना पेड़ के पीछे चला गया, पर इसके लिए मैंने हुक लगा के ना सीधा उसके ऊपर रस मार दिया, और यहाँ पे 2 गोली चिपकाया, और ये 2 गोली मिस हो गया। सेकेंड वाले 2 गोली में ये बंदा यहाँ पर फाइनली ख़त्म हो चुका था। तो मैं चला गया अंदर की साइड ना, और पीछे के साइड देखो एक बंदा यहाँ पर चुपचाप खड़ा है, तो मैंने वहाँ पे मारा, यहाँ पे एक तो 22 का डैमेज गया, बट ज़्यादा नहीं गया। और मैं ना पूरा बुइया के लिए खेल रहा था, पहले मैंने सोचा इसको मार दूंगा,
फिर मेरे को लगा बंदा अच्छा यार, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का, मेरे पास डैमेज मतलब हेल्थ भी ख़त्म हो गया ना, तो इसलिए मैं पीछे चला गया। और यहाँ पे पीछे आने के बाद सामने के साइड एक बंदा यहाँ पे लैंड किया, और उसको पता नहीं मैं पीछे था, तो मैंने उसको फमास का बहुत ही ख़तरनाक वाला हेड मार दिया। और सामने के साइड एक और बंदा था, उसको भी मैंने बहुत ही ख़तरनाक वाला डैमेज दिया। और इस नॉक वाले बंदे को यहाँ पे आके मैंने ना फिनिश कर लिया। अभी ये जोन वाला बंदा आएगा, तो जोन वाला बंदे को हमने बहुत ही ख़तरनाक वाला मारा, पर जोन वाला बंदा ना यहाँ पे बच चुका था, उसका किल हम लोग को नहीं मिला। तो हमने जोन में जाने की कोशिश किया वापस से, और हम लोग यहाँ पे जोन में आ चुके थे। तभी ना ये पीछे जो बंदे के साथ मैंने उस टाइम फाइट किया था, वो बंदे को मैंने छोड़ दिया था, नहीं मारा था, और वो बंदा मेरे को पीछे से आके डाउन कर देता है, ये देखो आप लोग। तो मैं यहाँ पे कुछ भी करके मतलब बच जाता हूँ, लकीली बच जाता हूँ, और मैं यहाँ पे हील कर लेता हूँ, पैक करके अपना पूरा हील कर लेता हूँ। उसके बाद ना इस वाले बंदे के ऊपर मैं रस मार देता हूँ। ये बंदा मेरे ऊपर ग्रेनाइट मार रहा था, बट कोई ना, इसको मैंने बहुत ही खतरनाक वाला दो गोली मारा, और ये बंदा ना बहुत तेज़ मूवमेंट दिखा रहा था। गाइस यार, खुद को पता नहीं राजस्थान का चेहरा समझ रहा था क्या समझ रहा था, इतना तेज़ तेज़ मूवमेंट दिखा रहा था, तो आप सकते हो मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था ना, क्या ही बोलूँ। इस बंदे को फिनिश करने के साथ साथ अभी बचा था बस लास्ट डुओ, और मेरा हो चुका था 9 किल, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और ऊपर की साइड ना वो दो डुओ था, तो मैंने ना यहाँ पे अपना मेडिकिट किया। मेडिकिट करने के बाद ना अपना वो बैग जो होता है ना, उस वहाँ से खुल के अपना मतलब हथियार वगैरह चिप विप जो था सब लेके मैक्स कर लिया अपना फमास, क्योंकि मैक्स होगा ना चलाने में आसानी होगी। और सामने की साइड दो बंदा था, अब गेस करो क्या होता है, ये वाला बुया भी मैंने मिस कर दिया गाइस। यार देखो, वो सामने एक बंदे को मैंने यहाँ पे डाउन किया, और उस बंदे ने भी मेरे को मार दिया। यार मेरे साथ मतलब क्या हो रहा था पता नहीं, आज मैं इतना ज़्यादा बुया मिस कर रहा था भाई, बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को। तो इस वजह से ना मैंने बुला लिया अपने दोस्त को, एक दोस्त को मैंने बुलाया, और दो रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा था। नेक्स्ट गेम में आ चुके हैं हम लोग, और इस वाले गेम में ना सामने के साइड दो बंदा था। अभी देखो ये दो बंदे को ना मैंने क्या ख़तरनाक वाला मारा है, आईडी चला के बहुत ही ख़तरनाक वाला, ये दोनों बंदे को ना मैंने धो डाला एकदम। गाइस यार, मैंने एक दोस्त को बुलाया था, वो बंदा लगभग ग्रैंड मास्टर लगाने वाला था, तो इसकी वजह से ना इसका इतना हार्ड लॉबी आ रहा था, क्या ही बोलूँ गाइस यार। आप लोग देखो एक एक बंदे का मतलब क्या ही इंटेंस फाइट चल रहा था इस टाइम पे, जितना छोटा सा जोन पे भी ना 20-30 बंदे जिंदा थे। अभी भी तो कुछ बंदे अभी भी रिवाइव हो रहे थे, मतलब क्या ही बोले यार। ओके, तो हम लोग अभी जा रहे थे नीचे की साइड, और मेरा हो चुका था यहाँ पे 7 किल। अभी देखना राइट साइड पे ना ऊपर की साइड एक बंदा था यहाँ पे, तो उस बंदे को बहुत ही खतरनाक वाला बॉडी मारा, और यहाँ पे इस बंदे को भी हमने फिनिश कर दिया। नीचे एक और बंदा था, आईडी से लगा के मैंने उस बंदे के ऊपर भी रस मार दिया, मतलब दूर से मारा फमास से। और फमास इस टाइम पे क्या ही चल रहा है गाइस, यार बहुत ख़तरनाक चल रहा है फमास गाइस। फमास के लिए एक लाइक कर देना। और यहाँ पे एक और नॉक बंदा पड़ा था, उस बंदे को हमने बहुत ही खतरनाक वाला मार दिया। इसी के साथ हमारा हो चुका है 10 किल, जो कि आप लोग देख सकते हो। अभी लास्ट में आ चुके हैं, यहाँ पे एक बंदा था जो मेरे को दोस्त को डाउन कर दिया, और उस बंदे को मार के ना इस वाला स्क्वाड को हमने वाइप आउट कर दिया। अभी गया था ना मैं इस दोस्त को बचाने, तो यहाँ पे बचाता हूँ मैं दोस्त को, और क्या होता है देखो। अभी जो मतलब मेरे साथ सीन हुआ ना, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, क्या ही बोलो इन टीममेट के ऊपर। इसको रिवाइव करके मैं सामने के साइड जो बंदा था ना, उस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज देके मतलब आई डी वगैरह लेके डैमेज दे रहा था, और जोन आया ना इसकी वजह से मैंने आगे चला गया, और ये बंदा कैसे मेरे को डाउन कर देता है, और ये दोनों भी उसी के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। गाइस यार, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, एक गेम खेल के मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, क्या बोलूँ यार। और कोई ना, हमारे यहाँ पे अच्छा खासा प्लस हो गया है। अभी आ चुके हैं हम इस वाले गेम में, और सामने के साइड एक बंदा जा रहा था, और इस बंदे को हमने बहुत ही ख़तरनाक वाला डाउन कर दिया। और गेस व्हाट, इस वाले गेम में ना हैकर आ गया। अभी देखो मेरे दोस्त कैसे ठाई ठाई करके डाउन हो गए, अभी मेरे को भी पड़ेगी, आप लोग बस देखते जाओ यार। मतलब अभी भी हैकर आता ना, और ये 1, 2, 3 और ये पड़ गया देखो वो, मतलब अभी के टाइम पे भी हैकर इतना क्या ही बोले यार, 60-70-70-80-80 लेवल के बंदे ना हैक लगा के खेल रहे हैं। और लकीली किस बंदे ने मेरे को मतलब वो वाला हैकर को मार दिया। और ये देखो 74 लेवल के बंदे, मतलब 70 लेवल के बंदे, ये सब हैक लगा के खेल रहे, मतलब हैकर लेके खेल रहे ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए। इससे ज़्यादा घटिया चीज़ क्या ही हो सकता है यार। गेम का पूरा एकदम 12 बज चुका है, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था ना,
मेरे को ये क्लिप रिकॉर्ड करने का कोई मन नहीं था, फिर मैंने देखा यार हैकर आ गया, तो मैंने ये वाला क्लिप अभी रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहा हूँ। क्या ही बोले यार, तब तुम लोग खेल नहीं सकते तो गेम में क्यों आते हो भाई, कोई दूसरा गेम खेलो ना जाके, लूडो खेलो, कोई गेम है BGMI खेलो जाके भाई, नहीं खेल सकते हो तो। हैक बैक लगा के भाई देखो यार रैंक पुश कर रहा है, अब क्या ही बोल सकते हैं। इनका आईडी बैंड भी नहीं होगा पता है, फ्री फायर वाले को ऐसा करना चाहिए ना, जो हैक लगाते हैं उनके साथ जो खेलते हैं ना उसको भी बैंड करना चाहिए। भाई देखो क्या ही खतरनाक AWM चला रहा है, इसको देख के ना मेरे को सनकी 44 का याद आ गया गाइस यार, वो भी ऐसे ही मारता था एकदम। देखो फट से मारेगा हेड, मतलब क्या ही बोले यार। और अभी ग्रैंड मास्टर लगा के बोलेगा भाई हम प्रो प्लेयर है, मेहनत करके ग्रैंड मास्टर लगाए, और इतना नूबड़ा बंदा है ना, अभी देखो आप लोग एक बंदे के साथ जाके ना दो दो बंदा पीटेगा, मतलब इतना घटिया खेलता है, टट्टी खेलता है इनका टीममेट जो इनके साथ खेल रहा है, रैंक पुश कर रहा है, मतलब क्या यार, खेलना नहीं आता तो जाओ ना लूडो खेलो। देखो अभी देखो एक बंदे से ना पीटेगा, देखो दो बंदे, देखो एक बंदा गया एक और पीटेगा, देखो ये देखो, मतलब इतना घटिया खेलता है, चार बंदे जिंदा है एक बंदे से जाके दो दो बंदा पीट रहा है, बताओ। ये बंदा रिवाइव करने चला गया देखो उसको, मतलब क्या ही बोले, कोई बोलना नहीं। ऊपर से ये लोग खेल नहीं पा रहे तो इस हैकर को बोला भाई तू ही मार दे, हम लोग मार नहीं पाएंगे, और हैकर नहीं देखो यहाँ पे मार रहा है अभी, ये देखो मारेगा, मतलब क्या भाई तू, और कुछ बोलना नहीं है भाई, मतलब क्या ही बोले, इतना गुस्सा आ गया था मेरे को। ओके कोई ना, हम लोग आ चुके हैं अभी लास्ट गेम पे, और ये वाला गेम ना मैं एकदम सावधानी से खेल रहा था, क्योंकि मेरे को बस बुइया के लिए खेलना था, मेरे को प्रॉपर बुइया चाहिए था, क्योंकि मेरे को मतलब क्या ही बोले यार, इतना गेम खेला था मेरे को एक भी गेम बुइया नहीं हो रहा था, तो ये मैं ना लास्ट वाला गेम ना पूरा एकदम बुइया के लिए खेल रहा था, पूरा कैंप किया एकदम प्रॉपर मैंने कैंप किया। अभी देख सकते हो लास्ट के 6 बंदे बचे हैं, और सामने की साइड एक बंदा था, उस बंदे को मैंने बहुत ही खतरनाक वाला बॉडी से मार दिया, और हम लोग आ चुके हैं एकदम लास्ट में, सामने की साइड एक और बंदा है, इसको भी मैंने बहुत ही खतरनाक वाला हेडशॉट से ख़त्म कर दिया। और ये गेम मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब क्या ही बोले, मेरा कोई लक होता है ना किसी का, कि लक के ऊपर डिपेंड होता है, वैसा मेरा आज लक है, पता नहीं सुबह से किसका मूव देके उठा था मैं, मतलब क्या पता नहीं क्या लक है, मैं एक बुइया भाई, मतलब एक बुइया नहीं हो रहा था, लिटरली एक बुइया हुआ, और ये देखो यहाँ पर मैं फाइट लेता हूँ और ये वाला फाइट पे भी मर जाता हूँ। इतना मुश्किल से मैं बुइया के लिए खेल रहा था, बट यार नसीब में ना हो ना तो क्या कर सकते हैं, बट कोई ना, हमारा यहाँ पे फाइनली लग चुका है इलाइट हीरोइक, मतलब 3 स्टार लग चुका है, और हम लोग पहुँच चुके हैं फार्मास में कोलकाता में। हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे और फार्मास में कोलकाता में पहुँच चुके हैं, अभी देखोगे आप लोग, और ये देखो आप लोग पहुंच चुके हैं। देखो मैंने प्लाज्मा में बोला था, प्लाज्मा में किया है, पर मेरे को शो नहीं कर रहा। अभी देखो फार्मास में आ चुके हैं और कोलकाता में गए, ये देखो 96 में हम लोग फाइनली फार्मास में पहुंच चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वेस्ट बंगाल, तब उसके बाद करेंगे इंडिया। तो बस आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय मेरे दोस्तों।